सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी साथियों, बाल साधना विद्यालय परिवार की सशक्त और क्रमशील टीम की ओर से शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र में अग्रिम भूमिका अदा करने वाले निर्देशक महोदय की ओर से आप सभी का इस बाल साधना की ऑनलाइन क्लास में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस महामारी में आप तक ज्ञान के स्पुंज और ज्योति को पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लुत्फ उठाएंगे। आज का हमारा जो बिंदु है वो बिंदु है विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दो शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ था, एक 1336 ईस्वी विजयनगर और दूसरा 1347 ईस्वी बहमनी राज्य। इन दोनों राज्यों का उद्भव हुआ था। आपकी किताब के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो पहली रियासत के रूप में जो रियासत विकसित हुई उस रियासत का नाम था विजयनगर रियासत। विजयनगर रियासत की स्थापना किनके द्वारा की गई और कब की गई, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विजयनगर रियासत है, ये मध्यम युग में विकसित होने वाला पहला हिंदू राज्य था, यानी मध्य युग में विकसित होने वाली पहली हिंदू रियासत थी। वो पहली हिंदू रियासत क्या थी? विजयनगर थी। विजयनगर राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी, यानी इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? दक्षिणी भारत क्षेत्र में, और दक्षिणी भारत क्षेत्र में तुंगभद्रा जो नदी है उस तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट के ऊपर एक रियासत की स्थापना की गई थी और वे रियासत विजयनगर कहलाई थी। इस विजयनगर रियासत की स्थापना या इसके संस्थापक जो थे वो दो भाई थे, हरिहर बड़ा भाई था और दूसरा भाई था वो बुक्का था। इन दोनों के पिता का नाम संगम था और उसी के नाम से विजयनगर रियासत में पहला वंश विकसित हुआ, वो संगम वंश के नाम से विकसित हुआ था। विजयनगर राज्य की प्रथम राजधानी के रूप में जिस राजधानी को स्वीकार किया गया था उसे हम्पी कहा जाता है, या हम्पी के रूप से उस रियासत को जाना जाता है। देखो, इतिहास में ऐसा उल्लेख है, अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते हो तो, यानी विजयनगर के चार वंश विकसित होते हैं। पहला वंश विकसित होता है संगम वंश, दूसरा वंश विकसित होता है सुलुव वंश, तीसरा वंश होता है तुलुव वंश और चौथा वंश विकसित होता है अरविंदु वंश। ये चार वंश विजयनगर अकेली रियासत पर विकसित होते हैं। इनमें संगम वंश और तुलुव वंश शक्तिशाली राजवंश के रूप में विकसित होते हैं, लेकिन आपके किताब के अध्ययन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये तीन वंशों का अध्ययन आपके नहीं दिया हुआ मिलता है, सिर्फ अंतिम शासक का नाम दिया हुआ मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको एक ही वंश का अध्ययन यहाँ दिया हुआ मिलता है और उस वंश का नाम है संगम वंश। संगम एक व्यक्ति विशेष का नाम है और उस संगम के दो पुत्र थे जो मैंने ऊपर बताए आपको, हरिहर और बुक्का थे। ये दोनों पुत्र थे। हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंतर्गत इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और ये दिल्ली दरबार चले गए थे। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन ये इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद जब ये दक्षिणी अभियान पर आए तो इनकी मुलाकात किससे हुई थी? सत्यकेतु विद्यालंकार नामक एक विद्यालंकार नामक व्यक्ति था, उस सत्यकेतु विद्यालंकार नामक व्यक्ति से या सत्याश्रय से इसकी मुलाकात हुई और उनके प्रभाव में आकर दोनों भाइयों ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया और यहाँ पर एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की और वो रियासत क्या थी? विजयनगर थी। कहा जाता है हरिहर और बुक्का जो थे ये काकतीय वंश के सामंत हुआ करते थे पहले, यानी पहले जो काकतीय वंश था उस वंश के ये क्या थे? सामंत थे, या उनके सामंतों के रूप में ये शासन किया करते थे।
कहा जाता है हरिहर एक शक्तिशाली राजा बने और हरिहर ने एक उपाधि धारण की थी। जब 1336 में शासक बने तो इन्होंने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था महाराजा की पदवी से अपने आप को विभूषित किया था। इस हरिहर के उत्तराधिकारी बने थे, उस हरिहर के उत्तराधिकारी का नाम बुक्का था और बुक्का ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम वेद प्रतिष्ठ पाठक की पदवी से अपने आप को विभूषित किया था, सम्मानित किया गया था। बुक्का ने अपने जीवन काल में रामेश्वर, तमिल, चेर प्रदेशों को विजित किया गया था। ये रामेश्वर जो अंतिम धार्मिक स्थल है भारत के दक्षिणी छोर का, रामेश्वर क्षेत्र को इन्होंने विजित किया, तमिल क्षेत्र को इन्होंने विजित किया, एक रियासत में राज्य करने वाले राजवंश चेर को भी इन्होंने क्या किया था, विजित किया था। और बुक्का इस वंश के एक शक्तिशाली शासक के रूप में विकसित हुए थे। बुक्का का उत्तराधिकारी बना था और उस उत्तराधिकारी का नाम था हरिहर सेकंड, जो बुक्का के उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन कोई विशेष इन्होंने योगदान नहीं दे पाए। हरिहर सेकंड के बाद यहाँ के प्रसिद्ध राजा बने थे और उस प्रसिद्ध राजा का नाम था देवराय फर्स्ट। यहाँ के शक्तिशाली राजा बने या देवराय फर्स्ट के नाम से शक्तिशाली राजवंश के रूप में यहाँ विकसित हुए थे। देवराय प्रथम के समय एक इटली के यात्री ने यहाँ की यात्रा की थी और उस इटली के यात्री का नाम था निकोलस कोंटी नाम था। निकोलस कोंटी, ये कोंटी भी है और कोंती भी है, नय भी है और टय भी है, कोंटी या निकोलस कोंटी या कोंटी के नाम से एक यात्री आया था जिनके इनके काल में इन्होंने यात्रा की थी। इसके बाद में दूसरे शासक बने शक्तिशाली विजयनगर के देवराय सेकंड नाम के शक्तिशाली राजा बने थे। देवराय संगम वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में थे। इसे इतिहास में इमाडी देवराय के नाम से जाना जाता है, यानी विजयनगर के इतिहास में इसे क्या कहा जाता है, इमाडी देवराय के नाम से इसको संबोधित किया जाता है या इसको इमाडी देवराय कहा जाता है। किसको, देवराय सेकंड को कहा जाता है। देवराय सेकंड के काल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक भारत की यात्रा पर आए थे, यानी कौन से राजदूत आए थे, फारसी राजदूत आए थे। और फारसी राजदूत जो थे वो कौन थे, अब्दुल रजाक जो थे वो अब्दुल रजाक भारत की यात्रा पर आए थे। इसीलिए तो कहा था विजयनगर के बारे में कि विजयनगर इतना सुंदर है कि न तो ऐसा कभी किसी ने देखा हो न सुना हो, बहुत ही भव्य और सुंदर, उसकी सुंदरता का उल्लेख इसने किया है। देवराय सेकंड ने गजबेटेर की उपाधि धारण की थी, यानी ये जो देवराय सेकंड है उस देवराय सेकंड ने गजबेटेर की उपाधि धारण की थी। गजबेटेर का अर्थ है, बेटेर का अर्थ होता है हाथियों के समान सशस्त्र रखने वाला या हाथियों के समान शक्ति से विभूषित करने वाला या हाथियों के समान जो सर्वश्रेष्ठ बल को धारण करने वाला, ये उपाधि देवराय सेकंड ने धारण की थी, जो विजयनगर साम्राज्य का मूल धारक या संस्थापक था। छात्रों, इस टॉपिक में से बड़ा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अब तक पढ़ाए गए टॉपिक में छोटे प्रश्न हैं। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, कौन से वंश की स्थापना की, संगम वंश, दोबारा हिंदू बने सत्य केतु या सत्याश्रय के कहने पर, कब इस वंश की स्थापना हुई 1336, वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, निकोलो कोंती किसके काल में आए थे, अब्दुल रजाक किसके काल में आए थे, बुक्का ने कौन से क्षेत्रों को विजित किया था, गजबेटेर की उपाधि किसने धारण की थी, ऐसे कुछ छोटे प्रश्न जो हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भई ये प्रश्न आपके आ सकते हैं भविष्य में। इन प्रश्नों को आपको इसी तरीके से आपको जवाब देना है। इनके दरबार में जो देवराय सेकंड थे, इनके दरबार में एक तेलुगु के कवि रहा करते थे, तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे और तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं जिसका नाम है श्रीनाथ। ये श्रीनाथ एक प्रसिद्ध कवि थे जो इनके दरबार में रहते थे। इस वंश का शासक मल्लिकार्जुन, जिसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, इसी वंश के एक प्रसिद्ध शासक हैं जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन जो है उसको क्या कहा जाता है, प्रौढ़ देवराय के नाम से इतिहास में जाना जाता है, प्रौढ़ देवराय इसको कहते हैं। मल्लिकार्जुन नाम के काल में एक चीनी यात्री आया था और चीनी यात्री का नाम क्या था, माउआन था।
क्या था? मायुआन नामक व्यक्ति था, माउयान 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 जो चीनी यात्री थे वो इनके काल के अंतर्गत आए थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था संगम वंश का, वो अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष जो था वो, यानी कि इसका क्या था, अंतिम शासक था। एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में विकसित हुआ था और इसे इतिहास में विजयनगर के नाम से जानते हैं। ये आपको इतनी जो चीज़ें हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। दूसरा वंश इसका विकसित हुआ था और उस दूसरे वंश का नाम था बहमनी राजवंश था। इस बहमनी राजवंश का उदय भी हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुआ था और ये रियासत जो विकसित हुई थी वो बहमनी राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1347 में। किसके काल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक नाम के जो व्यक्ति थे उस मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। इसका जो संस्थापक है बहमनी राज्य का, वो संस्थापक कौन है? वो संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह है। इसका संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन जो बहमन शाह नाम से प्रसिद्ध हैं, वो अलाउद्दीन बहमन शाह इसके मूल क्या हैं, संस्थापक हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। उसके बाद में तो बिदर भी इनकी राजधानी रही है, बरार भी इनकी राजधानी रही है, ये भी रही हैं, लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी जो रही है वो कौन सी रही है? गुलबर्गा इनकी प्रारंभिक राजधानी रही है। लेकिन कहा जाता है बहमन शाह ने चार प्रांत गुलबर्गा दौलताबाद बरार या वापिस जो थे वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उसने शामिल कर लिए थे अपने। महमूद शाह प्रथम ने यहाँ पर इसके शक्तिशाली शासक बने थे। बहमन शाह ने चार प्रांत गुलबर्गा दौलता बरार ये सभी थे, ये विजित किए थे। और बहमन शाह ने यहाँ पर क्या किया था कि एक शक्तिशाली बहमनी राजवंश की सीमाओं का विस्तार किया था। बहमन शाह के उत्तराधिकारी यहाँ पर बने थे, वो बने थे महमूद शाह नामक व्यक्ति बने थे। और महमूद शाह नामक व्यक्ति प्रथम व्यक्ति थे दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने पहली बार किसका प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग किया था। वैसे तो बारूद का अगर आपको भविष्य में ये पूछ लिया जाए कि बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ, तो बारूद के आविष्कार की अगर बात आपको लिखनी है तो बारूद का आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो चीन की सभ्यता में हुआ था। और पहली बार तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था यहाँ पर पानीपत के युद्ध में, जो पहले मैं बता चुका हूँ, तो ये बात यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद में महमूद शाह प्रथम के बाद में यहाँ शासक कौन बने? ताजुद्दीन फिरोज यहाँ के शासक बने थे। कौन बने? ताजुद्दीन फिरोज नामक व्यक्ति थे, वो ताजुद्दीन फिरोज शासक बने बहमनी राज्य के। ये सर्वाधिक विद्वान शासक था, यानी एक शक्तिशाली भी था लेकिन शक्तिशाली होने के साथ एक पढ़ा लिखा एक विद्वान शासक था। इन्हीं के शासनकाल में निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी, यानी एक विदेशी यात्री था और उसका नाम था निकितिन नाम का एक यात्री था। उस यात्री ने बहमनी राज्य की क्या की थी, यात्रा की थी, इसी के काल में आया था। यानी कहा जाता है इस ताजुद्दीन फिरोज ने सोनार की बेटी का युद्ध किया था जिसमें विजयनगर के देवराय को हराया था। यानी ताजुद्दीन फिरोज ने कौन सा युद्ध लड़ा था? सोनार की बेटी का युद्ध लड़ा और सोनार की बेटी के युद्ध में इसने किसको हराया था? विजयनगर रियासत के थे और विजयनगर रियासत के शासक इस समय कौन थे? देवराय थे। तो विजयनगर रियासत के शासक देवराय को इन्होंने पराजित किया था और उसे सोनार की बेटी के युद्ध के नाम से के इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है। बहमनी राज्य के जो दूसरे संस्थापक दूसरे श्रेष्ठ राजा थे वो कौन थे? हुमायूं थे, लेकिन ये क्रूर थे। यानी बहमनी राज्य के एक राजा हुए जिसका नाम है हुमायूं बहमन शाह। हुमायूं बहमन नाम के व्यक्ति शासक बने। ये हुमायूं बहमन नाम के व्यक्ति जो शासक बने थे इससे क्रूरता के और विलासिता के कारण, एक तो ये क्या था, क्रूरता व विलासिता के कारण इसको क्या कहा जाता है, विलासिता के कारण, क्रूरता और विलासिता के कारण इसको क्या कहा जाता है, जालिम हुमायूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालिम हुमायूं कहा जाता है। यानी इसको किसके कारण कहा जाता है? क्रूरता
विलासिता दो कारण है, एक कारण क्रूरता है, दूसरा कारण विलासिता है, जिसके कारण इसे जालिम हुमायूं के नाम से संज्ञा दी जाती है या जालिम हुमायूं से इतिहास में कहा जाता है, या इसको आप नीरो भी कह सकते हो, इसको आप इतिहास का क्या कह सकते हो, नीरो कह सकते हो, इतिहास के नीरो के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है हुमायूं ने मोहम्मद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ये जो हुमायूं था, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध था, हुमायूं ने जो मोहम्मद गवा है उस मोहम्मद गवा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो मोहम्मद गवा को एक तो उत्तराधिकारी अपना पीएम बनाया था इन्होंने, अपना पीएम के रूप में उसको नियुक्त किया था। ये योग्य, कुशल और श्रेष्ठ सेनानायक भी था। ये जो मोहम्मद गवा था यह एक योग्य कुशल, योग्य कह सकते हो, कुशल श्रेष्ठ सेनानायक था, श्रेष्ठ सेनानायक था, कुशल भी था, योग्य भी था, श्रेष्ठ भी था, सेनानायक भी था। इन्होंने बिदर में एक विद्यालय की स्थापित की थी। इन्होंने क्या किया था कि बिदर जो क्षेत्र है उस बिदर में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, एक स्कूल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीम उल्ला था, यानी बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक बहमनी वंश का कौन था, कलीम उल्लाह था। बहमनी वंश का अंतिम शासक था और उस अंतिम शासक का नाम था कलीम उल्लाह, उल्लाह है जो अंतिम शासक था वो कलीम उल्लाह नाम के नाम से प्रसिद्ध था, जो यानी कि इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। देखो बात अगर बहमनी वंश की जाए तो बहमनी वंश के अंतर्गत महमूद शाह एक शक्तिशाली, बहमन शाह एक शक्तिशाली शासक के रूप में रहे हैं या एक श्रेष्ठ शासक के रूप में उन्होंने शासन किया है। तो एक बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको एक बात पूछी जाए कि मोहम्मद गवा जो राज्य का एक सेवक था, प्रधानमंत्री था, इस मोहम्मद गवा बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, लेकिन क्या हो गया था कि एबीसीनियाई सुन्नी मुसलमान जो थे वो इससे क्या थे, नाराज थे, और 13वें सुल्तान महमूद तृतीय ने महमूद गवा जो राज्य का सेवक रहा है उसको क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। और मोहम्मद गवा ने जब इसको फांसी दे दी उसके साथ ही बहमनी राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। आखिरी सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, गोलकुंडा और विजयनगर बन गए थे, और इनके सभी के अलग अलग क्या बन गए थे, स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गवा जो है उसको फांसी किसने दी थी, तो महमूद तृतीय जो सुल्तान थे वो उसने उसको फांसी दे दी थी उसमें राज्य विस्तार के कारण, और यही कारण है कि उसके आगे चलकर 5 विशिष्ट राज्यों के रूप में ये विकसित हो गया था, या 5 राज्य सर्वश्रेष्ठ रूप से विकसित हो गए थे। तो ये आपके 2 राज्य थे, एक राज्य का नाम है विजयनगर और दूसरे राज्य का नाम है बहमनी राज्य के रूप में आपको विकसित किया गया। अब आपका एक टॉपिक शुरू होता है और उस टॉपिक का नाम है सिख धर्म। देखो भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व स्तर के ऊपर अनेक धर्म विकसित हुए हैं। हिंदू धर्म है, पारसी धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। उसी तरीके से हिंदू धर्म में से एक धर्म निकला था और उस धर्म का नाम था सिख धर्म, या सिख धर्म के रूप में विकसित हुआ था। सिख धर्म का उद्भव क्यों हुआ, तो इसकी एक सबसे बड़ी बात आती है कि दिल्ली सल्तनत काल जो था, इस दिल्ली सल्तनत काल में जो कट्टरता हुई थी, जैसे कट्टरता के अंतर्गत आप सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की देखिए, अलाउद्दीन खिलजी इतना कट्टर था कि उसने जो था वो हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया, चाहे वो पद्मनी को प्राप्त करने की, चाहे उसकी लालसा हो, चाहे हिंदू त्योहारों में हस्तक्षेप हो, चाहे उसके बाद में आप दूसरा व्यक्ति फिरोज तुगलक देख के देख लो जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था, उसके बाद में चाहे आप सिकंदर लोदी देख लो जिसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, तो एक सांप्रदायिक उन्माद का माहौल यहाँ पर पैदा हो गया था। और इस सांप्रदायिक उन्माद के बीच या इस माहौल के बीच एक नए धर्म का विकास हुआ जो असहिष्णुता और
गणना का जो वातावरण है उससे अलग विकसित हुआ था। यानी एक असहिष्णुता जो है, असहिष्णुता, असहिष्णुता और गणना से, गणना का जो माहौल था, असहिष्णुता का माहौल था, उस गणना और असहिष्णुता के माहौल से अलग एक स्वच्छ धर्म की स्थापना की गई थी और उसको क्या कहा गया था, सिख धर्म के रूप में उसको संबोधित किया गया था। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि सिख धर्म क्या है। सिख धर्म की उत्पत्ति हुई है वो शिष्य शब्द से हुई है। शिष्य यानी आस्था, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, इससे इनकी उत्पत्ति हुई है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप एक नाम लिखते हो और उस सिख धर्म के संस्थापक का नाम क्या है, गुरु नानक। गुरु नानक जो हैं उसके पिता का नाम कालूराम था, इसका नाम, माता का नाम लक्ष्यवती था, और इसका जन्म जो हुआ था वो 15 अप्रैल सन 1439 ईस्वी को हुआ, और एक जगह थी तलवंडी, और तलवंडी वर्तमान समय में कौन से स्थान पर आती है, पाकिस्तान में आती है। तो यानी सिख धर्म है, इसकी उत्पत्ति शिष्य से हुई है, इसके मूल संस्थापक गुरु नानक हैं, कालूराम इनके पिता हैं, लक्ष्यवती इनकी माता है। 15 अप्रैल गुणेत्र में जन्म हुआ, तलवंडी ग्राम में हुआ, पाकिस्तान क्षेत्र में, वर्तमान में ये तलवंडी जो आपका क्षेत्र है वो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और इसकी पत्नी थी, उसका नाम सुलक्षणी, इसकी पत्नी का नाम जो दिया हुआ है वो सुलक्षणी दिया हुआ मिलता है इतिहास में, या सुलक्षणी नाम से इसकी जो क्या थी, पत्नी थी। नानक जी ने जो यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ धर्म की कल्पना की है, उसने दो चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान दिया। एक तो उसने किसकी महत्ता को जोर दिया, गुरु की महत्ता को जोर दिया। और गुरु नानक जी का एक कहना था, गुरु बिन गात नहीं, कि अगर इस संसार रूपी जीवन में आप आते हो और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको एक सच्चा गुरु दिला सकता है। जैसे कबीर ने अपने दोहे में कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाओ, गुरु बलियारी आपने गोविंद दिया बताए। तो यानी गुरु की महत्ता को विशेष स्थान दिया है। और इनका एक ही कहना है कि गुरु के बिना इस जीवन का नरक है, इसका स्वर्ग तो गुरु ही बताते हैं और उसी से जाते हैं। एक इसने अपने जीवन के अंतर्गत जाति पाति का खंडन किया है। किसका खंडन किया, जाति पात का, जात पात का इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, खंडन किया। उसने कहा मानुष की जात कुछ नहीं, सब एक है, कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और हमारी कोई जाति पाति नहीं है। केवल समाज में भगवान ने पैदा करने के बाद हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थों से वशीभूत होकर इन जातियों का निर्माण किया, लेकिन परमपिता परमेश्वर एक है। गुरु नानक देव की शिक्षा थी, ईश्वर एक है उसमें विश्वास करो। यानी इसका नाम एक ही था, ईश्वर एक है। हो सकता है उसे आप कुरान में अल्लाह के रूप में पूछते हो, बाइबिल में आप उसे ईसा के रूप में पूछते हो, गीता में आप कृष्ण के रूप में पूछते हो, आप बौद्ध धर्म के पुस्तकों अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत आप उसको बुद्ध के रूप में पूछते हो, भगवती सूत्र में आप महात्मा महावीर स्वामी के रूप में पूछते हो, लेकिन वो ईश्वर एक है और हम सभी को उसमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उसका नाम ही सबसे, उसका नाम, उसकी महानता, उपासना और गुरु की महानता आदि का उसने क्या दिया है, संदेश दिया है। उसने कहा है कि राम दे होगड़े नेवड़े जाति किसे पूछनी नहीं, जपू जी आरती रही राम बारमा, इनकी प्रसिद्ध क्या थी, रचनाएं थी। और इनका एक ही कहना था कि हमेशा उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करो, उसमें जाति पाति कुछ नहीं होती, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, केवल आपको उस ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस ईश्वर का गुणगान आपको करना चाहिए, उसी के गुणगान से आपकी क्या हो सकती है, मोक्ष हो सकती है, आपको इस संपूर्ण संसार के जो विवाद विवाद हैं, संपूर्ण संसार की जो बाह्य आडंबर हैं, उनसे आपको क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। ये बात कौन कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं। तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हैं, शिष्य शब्द से उत्पत्ति हुई है सिख धर्म की। गुरु नानक इसके मूल संस्थापक हैं, कालूराम और लक्ष्यवती माता पिता, इतने को जन्म हुआ, तलवंडी पाकिस्तान में,
गुरु की महत्ता, जाति पाति का खंडन, ईश्वर एक है उसमें विश्वास करो, उपासना करो, ध्यान और भक्ति करो, जाति पाति कुछ नहीं होती है, सब आप ईश्वर की संतान है, ऐसे उसने अपने जीवन काल में इस बात का संदेश दिया है। कहा जाता है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं, और दूसरे गुरु का नाम क्या है? अंगद। अंगद हैं वो गुरु नानक जी के शिष्य थे। गुरु नानक जी ने जितनी भी बातें पढ़ाई उसको एक बात के रूप में संकलित कर लिया। जितनी बातें इन्होंने बताई, चाहे ईश्वर के बारे में बताई, जाति के बारे में बताई, गुरु की महत्ता के बारे में बताई, उनको क्रमबद्ध रूप से संकलन कर लिया और उस क्रमबद्ध संकलन करके उस वाणी को एक नाम दे दिया इसने, गुरुमुख लिपि। क्या नाम दे दिया इसने? गुरुमुख लिपि के नाम से उसको नाम दे दिया गया। इन्होंने क्या किया, वो जो गुरुमुख लिपि थी उसके सत्संग करवाने शुरू कर दिए। क्या करवाने शुरू कर दिए? सत्संग करवाने शुरू कर दिए, यानी जिसको हम भजन संध्या कहते हैं, और उस सत्संग को इसने एक नाम दे दिया, और उस सत्संग का नाम क्या था? मंझिया रख दिया इसने। सत्संग का नाम क्या रख दिया इसने? मंझिया रख दिया गया था। फिर दूसरी बात यह है कि इसने जो सत्संग के रूप में जिन बातों का उल्लेख किया गया था, फिर कहा जाता है कि गुरु अंगद जो है, उस अंगद ने जो गुरु नानक जी के संदेश हैं उनका विकास किया, संदेश को फैलाया, या उन संदेशों की ज़्यादा विकसित उन्होंने किया था। उन्होंने यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कही कि 1552 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने व्यास नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि अगर परमपिता परमेश्वर से मिलने का अगर रास्ता है तो या तो मंझिया है या गुरुमुख लिपि है, इसका बखान करके, मनन करके आप उस प्रभु से मिल सकते हो। इसके बाद में जो अगले शिष्य बने थे उसका नाम था अमरदास नामक शिष्य बने। अमरदास ने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था लंगर प्रथा। लंगर प्रथा का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया जाता है कि एक साथ भोजन करना, जिसको आप आज प्रतिभोज कहते हो, स्वरुचि भोज कहते हो, आज मेल कहते हो, आप जब भी सामूहिक रूप से भोजन करते हो, जिससे क्या कहते हैं कि आप एक दूसरे के भाव खुलते हैं, मनों का मिलन होता है, तो उससे लंगर प्रथा इसने क्या की थी? शुरुआत की थी। मंझी प्रथा जो थी कठोरता से उनको लागू किया था। इसने पहली बार बैसाखी, ये बैसाखी क्या होती है? 13 अप्रैल को मनाई जाती है। जब भी नई फसल पैदा होती है उसके उपलक्ष्य के अंतर्गत ये बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। सिखों का बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, और अमरदास इतने महान संत थे, उससे मिलने के लिए, यानी कि जो अकबर थे वो कौन से स्थान पर गए थे? गोइदवाल नामक स्थान पर स्वयं इससे मिलने गए थे, और गोइदवाल स्थान है वो गुरु अमरदास की प्रसिद्ध क्या बन गई? पीठ बन गई थी, अमरदास की प्रधान पीठ बन गई। तो ये सिख धर्म के 3 प्रसिद्ध जो गुरु थे, जिनमें आपको अमरदास में लंगर प्रथा, बैसाखी उत्सव, गोइदवाल पवित्र स्थल याद रखने पड़ेंगे, और गुरुमुख लिपि, सत्संग, मजिया आपको याद रखनी पड़ेंगी। अंगद में गुरु की महत्ता, जाति पाति खंडन, ईश्वर एक आपको याद रखना पड़ेगा गुरु नानक देव जी में। तो प्यारे बच्चों, आज 3 तो सिख धर्म के गुरु हुए, बहमनी और विजयनगर राज्य हुए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये सारी बात समझ में आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे से आगे आप इनको बढ़ाएंगे, और कोरोना जैसी महामारी में अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे, उनका बूढ़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखेंगे, और आपका स्वयं का ध्यान रखेंगे, और आप इसी तरीके से विद्यालय परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। अगले क्लास में फिर कल 9 बजे हम मिलते हैं। आगे सिख धर्म के बचे हुए जो गुरु हैं और रणजीत सिंह के बारे के बचे हुए टॉपिक हम आप पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।